हेलो फ्रेंड्स, रिलेशनल डेटाबेस यानी कि आरडीबीएमएस इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है, इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 6 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 4, कर्सर्स इन पीएलएसक्यूएल। तो पीएलएसक्यूएल में जो कर्सर टॉपिक है इसके जो है 25+ एमसीक्यू जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये सारी एमसीक्यू जो है हम विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, अ डैश इज अ पॉइंटर टू दिस कॉन्टेक्स्ट एरिया। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिकॉर्ड, ऑप्शन बी कर्सर, ऑप्शन सी फंक्शन एंड ऑप्शन डी ट्रिगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्सर। अ कर्सर इज अ पॉइंटर टू दिस कॉन्टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ रोज द कर्सर होल्ड इज रेफर टू एज द डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनएक्टिव सेट, ऑप्शन बी सिंपल सेट, ऑप्शन सी एक्टिव सेट एंड ऑप्शन डी कॉम्प्लेक्स सेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक्टिव सेट। अ सेट ऑफ रोज द कर्सर होल्ड इज रेफर टू एज द एक्टिव सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द कर्सर। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी थ्री, ऑप्शन सी फोर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टू। देर आर टू टाइप्स ऑफ कर्सर। तो ये कौन से टू टाइप्स है, इम्प्लिसिट कर्सर एंड एक्सप्लिसिट कर्सर। दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामर्स कैन नॉट कंट्रोल द डैश डैश कर्सर एंड द इंफॉर्मेशन इन इट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इम्प्लिसिट, ऑप्शन बी एक्सप्लिसिट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी कैनॉट सी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इम्प्लिसिट। प्रोग्रामर्स कैन नॉट कंट्रोल द इम्प्लिसिट कर्सर एंड द इंफॉर्मेशन इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट रिटर्न ट्रू इफ द इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट अफेक्ट वन और मोर रोज। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परसेंट नॉट फाउंड, ऑप्शन बी परसेंट इज ओपन, ऑप्शन सी परसेंट रो काउंट एंड ऑप्शन डी परसेंट फाउंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी परसेंट फाउंड। परसेंट फाउंड एट्रीब्यूट रिटर्न ट्रू इफ एन इंसर्ट अपडेट डिलीट स्टेटमेंट्स अफेक्टेड वन और मोर रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल कर्सर इन्वॉल्व्स डैश डैश स्टेप्स इन एसक्यूएल सर्वर। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थ्री, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी फोर एंड ऑप्शन डी फाइव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फाइव। लाइफ साइकिल ऑफ कर्सर इन्वॉल्व फाइव स्टेप्स। विच आर फाइव स्टेप्स, डिक्लेयर कर्सर, ओपन, फेच, क्लोज एंड डीअलोकेट। दीज आर द फाइव स्टेप्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्सर इज ओपन एंड पॉपुलेटेड बाय एग्जीक्यूटिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट डिफाइंड बाय द कर्सर। ऑप्शन बी आफ्टर डेटा मैनिपुलेशन वी शुड क्लोज द कर्सर एक्सप्लिसिटली। ऑप्शन सी कर्सर इज डिक्लेयर्ड बाय डिफाइनिंग द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स अ रिजल्ट सेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर द कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरेकल्स क्रिएट डैश डैश व्हेन एसक्यूएल स्टेटमेंट आर प्रोसेस्ड। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंटेंट एरिया, ऑप्शन बी कॉन्टेक्स्ट एरियाज, ऑप्शन सी कॉन्टेक्स्ट एड्स एंड ऑप्शन डी कंटेंट एड्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कॉन्टेक्स्ट एरिया। ओरेकल क्रिएट्स कॉन्टेक्स्ट एरियाज व्हेन एसक्यूएल स्टेटमेंट आर प्रोसेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड बाय ओरेकल अ कर्सर रिप्रेजेंट अ डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फंक्शन, ऑप्शन बी टेबल, ऑप्शन सी पॉइंटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पॉइंटर। इन द कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड बाय ओरेकल अ कर्सर रिप्रेजेंट पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड पीएलएसक्यूएल डैश डैश रेफर्स टू द प्रोग्राम दैट रिट्रीव्स एंड प्रोसेस वन रो एट अ टाइम बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर्सर, ऑप्शन बी फंक्शन, ऑप्शन सी प्रोसीजर एंड ऑप्शन डी ट्रिगर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following are the types of PLSQL cursor? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए implicit, ऑप्शन बी explicit, ऑप्शन सी both A and B
एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल कोड लर्निंग फॉर मोर एमसीक्यू वीडियोस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कर्सर इन पीएल एसक्यूएल, इंप्लिसिट कर्सर एंड एक्सप्लिसिट कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीएल एसक्यूएल कर्सर इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय ओरेकल। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंप्लिसिट, ऑप्शन बी एक्सप्लिसिट, ऑप्शन सी बोथ एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इंप्लिसिट। इंप्लिसिट कर्सर इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंप्लिसिट कर्सर आर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू प्रोसेस द डेल डैश स्टेटमेंट। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डीडीएल, ऑप्शन सी डीसीएल, ऑप्शन सी डीएमएल एंड ऑप्शन डी टीसीएल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डीएमएल। The implicit cursor are created in order to process the DML statements. Next question है, which of the following are the implicit cursor attributes? इसके option है, option A percent found, option B percent row count, option C percent is open and option D all of the above. तो इसका सही जवाब है option D all of the above. Percent found, percent row count, percent is open, all these are the attributes of implicit cursor. Next question है, for a del dash control over the context area, programmers can define explicit cursor. इसके option है option A greater, option B lesser, option C equal and option D none of the above. तो इसका सही जवाब है option A greater. For greater control over the context area, programmer can define explicit cursors. Next question है, in the PL SQL block, explicit cursor are defined in the del dash section. तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए इनिशियलाइजेशन, ऑप्शन बी डिक्लेरेशन, ऑप्शन सी एंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी डिक्लेरेशन। इन पीएल एसक्यूएल ब्लॉक एक्सप्लिसिट कर्सर आर डिफाइंड इन डिक्लेरेशन सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट एक्सप्लिसिट कर्सर। तो इसके ऑप्शन ए इज सिलेक्ट स्टेटमेंट कर्सर नेम कर्सर, ऑप्शन बी कर्सर सिलेक्ट स्टेटमेंट इज कर्सर नेम, ऑप्शन सी कर्सर कर्सर नेम सिलेक्ट स्टेटमेंट इज एंड ऑप्शन डी कर्सर कर्सर नेम इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कर्सर कर्सर नेम इज सिलेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर क्रिएटिंग द एक्सप्लिसिट कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द डेल डैश स्टेटमेंट्स द एक्सप्लिसिट कर्सर आर क्रिएटेड which return rows more than one. तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए डिलीट, ऑप्शन बी क्रिएट, ऑप्शन सी सिलेक्ट एंड ऑप्शन डी अपडेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलेक्ट। ऑन द सिलेक्ट स्टेटमेंट द एक्सप्लिसिट कर्सर आर क्रिएटेड which returns rows more than one. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is the correct syntax to fetch the cursor. इसके ऑप्शन ए फेच कर्सर नेम इनटू वेरिएबल लिस्ट, ऑप्शन बी फेच वेरिएबल लिस्ट इनटू कर्सर नेम, ऑप्शन सी इनटू कर्सर नेम फेच वेरिएबल लिस्ट एंड ऑप्शन डी इनटू वेरिएबल लिस्ट फेच कर्सर नेम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फेच कर्सर नेम इनटू वेरिएबल लिस्ट। दिस इज द करेक्ट सिंटैक्स टू फेच द कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू ओपन द कर्सर। इसके ऑप्शन ए बिगिन, ऑप्शन बी स्टार्ट, ऑप्शन सी ओपन, ऑप्शन डी इनिशिएट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ओपन। ओपन कीवर्ड इज यूज्ड टू ओपन द कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्लोज द कर्सर। इसके ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी स्टॉप, ऑप्शन सी फिनिश एंड ऑप्शन डी क्लोज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्लोज। क्लोज कीवर्ड इज यूज्ड टू क्लोज द कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लिसिट कर्सर आर प्रोग्राम डिफाइंड कर्सर फॉर गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर द कॉन्टेक्स्ट एरिया। तो इसके ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी कैन बी यस और नो एंड ऑप्शन डी कैनॉट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट परसेंट फाउंड इन पीएल एसक्यूएल कर्सर। तो इसके जो है इतने बड़े बड़े ऑप्शन है, ये पढ़ने की जगह पर मैं जो है इसका डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए इफ एनी डीएमएल स्टेटमेंट सच एज इंसर्ट डिलीट और अपडेट
affect one or more rows, or if select into statement return at least one row, these method return true. Percent found जो method है वो जो है select, insert, update और delete, ये जो statement है उन्होंने अगर एक या एक से ज्यादा रो जो है रिटर्न की तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रू अबाउट परसेंट इज ओपन इन PL SQL कर्सर. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिकॉज SQL कर्सर आर ऑटोमेटिकली क्लोज आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ देयर एसोसिएटेड SQL स्टेटमेंट्स, द फंक्शन ऑलवेज रिटर्न फॉल्स फॉर इम्प्लिसिट कर्सर. ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है फॉर परसेंट इज ओपन मेथड. तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर फोर स्टेप्स टू वर्क ऑन ए इम्प्लिसिट कर्सर. तो यहाँ पर जो है आपको फोर स्टेप्स दी है, तो ये जो फोर स्टेप्स है किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगी वो जो है आपको बताना है. तो स्टेप वन है डिक्लेयर अ कर्सर टू बी इनिशियलाइज इन मेमोरी. स्टेप सेकंड है अलोकेट मेमोरी बाय ओपनिंग द कर्सर. स्टेप थ्री है रिट्रीव डेटा बाय फेचिंग द कर्सर. एंड स्टेप फोर है रिलीज एलोकेटेड मेमोरी बाय क्लोजिंग द कर्सर. तो ये जो स्टेप्स है किस सीक्वेंस से एग्जीक्यूट होगी वो आपको बताना है. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. जो स्टेप्स है जिस सीक्वेंस में दी है उसी सीक्वेंस में जो है एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि सबसे पहले जो है कर्सर डिक्लेयर किया जाता है, उसके बाद जो है कर्सर ओपन किया जाता है, उसके बाद जो है डेटा रिट्रीव करने के लिए फेच किया जाता है कर्सर को, और फाइनली जो है कर्सर क्लोज कर दिया जाता है. तो ये इसी सीक्वेंस में जो है ये स्टेप्स एग्जीक्यूट हो गए. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर इसके अलावा भी आपके कर्सर के बारे में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए. अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए. आप जो ये चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके. थैंक यू. प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल कोड लर्निंग फॉर मोर MCQ वीडियोस.